नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट पर। इस श्रृंखला का यह चौथा लेक्चर है। हम बात करेंगे डिजिटल इकोसिस्टम्स पर। इसका कोर्स कोड है CVDMM101 /DVDMM101। कोर्स का नाम है डिजिटल इकोसिस्टम एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भाग 1। आज का हमारा इस व्याख्यान का जो परिचय है, जो इसमें हमने एजेंडा सेट किया हुआ है, हम किन किन चीज़ों पर आपके साथ आज बातचीत करने आए हैं, मुख्य रूप से इसका एक संक्षिप्त परिचय डिजिटल मार्केटिंग का या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें हम डिजिटल इकोसिस्टम्स को शामिल कर रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या अप्रोचेज हैं, डिजिटल इकोलॉजी क्या चीज़ है, डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं, आज के समय में डिजिटल पब्लिसिटी के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय पर हम आगे बढ़ते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अ डिजिटल इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स दैट अ यूजर नीड्स टू प्रोसेस डेटा। डिजिटल इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं? जो इकोसिस्टम वर्ड है डिजिटल के रूप में, वो क्या चीज़ है जिसमें सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को हम इंक्लूड करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स को, डेटा फाइल्स को, जिस वजह से जो यूजर है उसका डेटा प्रोसेस किया जा सके। इन सब चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में समझते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम्स इनकॉम्पास बोथ ICT सर्विसेज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दियर इंट्रैक्शंस विद दियर सराउंडिंग्स। संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं, जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो सारी चीज़ों को अपने आप में शामिल किए हुए हैं, चाहे वो ICT की सर्विसेज हों, चाहे ICT रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस वजह से हम अपने आसपास के परिवेश से, सराउंडिंग से इंट्रैक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम इज अ मेटाफर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल इकोसिस्टम टू डिस्क्राइब अ डिस्ट्रीब्यूटेड एडेप्टिव एंड ओपन सोशियो टेक्निकल सिस्टम। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स शब्द हो गया है, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, इसको समझते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम क्या है कह रहा है? कह रहा है इस सेंटेंस का जो आशय है वो ये है कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो समहाव वैसा जैसा ही है जैसा कि आपका नेचुरल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो सकता है? आप जानते हैं, हमारे जो 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 हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे सराउंडिंग हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम लोग काम करते हैं, ये हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। हमारे उनके आपस में क्या संबंध हैं? तो जो डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया, ओपन सोशियो टेक्निकल सिस्टम, अर्थात इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी इन वर्क स्पेस। आज के समय में पीपल और टेक्नोलॉजी का वर्क स्पेस पर बहुत ही घना संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर आप बात कीजिए, वहाँ पर जो पीपल और टेक्नोलॉजी का इंट्रैक्शन है बहुत क्लोज है, इट्स क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ताकि हम अपने काम को बहुत आसानी से और बेहतर रूप से कर सकते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज द प्रोवाइड डेटा कंटेंट सर्विसेज एंड टू द डिजिटल इकोसिस्टम। या कह सकते हैं कि एक वाइड रेंज पर, बड़े स्तर पर बात करें, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों मिलकर के क्या यूज करते हैं? डेटा प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज एक दूसरे के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण होता है। देर आर थ्री पार्टली रिलेटेड वेरियंट्स ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। मुख्य रूप से अगर हम संक्षिप्त रूप में उसको बात करना चाहें, जो डिजिटल इकोसिस्टम है उस पर तीन चीज़ों की सहभागिता है। क्या क्या है वो? एक है सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, एक है डेटा ओरिएंटेड इकोसिस्टम्स, और एक है इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोसिस्टम्स। तो इन तीनों का मिला जुला रूप हम डिजिटल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने किन चीज़ों को अपने ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर भुनाया है या ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे मेंशन किया हुआ है, इस व्याख्यान को समझने के बाद, सुनने के बाद हमारे जो लर्नर हैं वो क्या चीज़ समझने में सक्षम होंगे, इसका भी एक संक्षिप्त परिचय हम आपको दे दें। टू अंडरस्टैंड डिजिटल इकोलॉजिकल अप्रोचेज, टू नो डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम, टू
टू नो डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स। ये हम उद्देश्य लेकर आए हैं कि जो लर्नर इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को देखेगा, सुनेगा, उसको इन तीन बिंदुओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं, जो अप्रोचेज हैं डिजिटल इकोलॉजी में वो क्या क्या चीज़ें हैं, हम किस चीज़ को डिजिटल इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्यों हम डिजिटल इकोलॉजी कह रहे हैं आज के समय में। आज आप देखते हैं कि आज का जो समय है वो ग्लोबल टाइम है, जिसको हम डिजिटल वर्ल्ड भी कहते हैं कभी कभी। तो उस डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल इकोलॉजी से क्या आशय है, और हम ये सारा जो बात कर रहे हैं ये किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में। तो डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में डिजिटल इकोलॉजी का क्या रोल है, इसको भी हमें जानना और समझना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट डिजिटल इकोसिस्टम इंस्टिगेट द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इकोलॉजी। कहने का आशय यह है, जो यूटिलाइजेशन है डिजिटल इकोसिस्टम का या डिजिटल प्रोडक्ट्स का, या उसका जो बढ़ावा है आज के समय में, जो उसकी उपयोगिता है, उन सब चीज़ों से किस चीज़ का निर्माण हुआ है, डिजिटल इकोलॉजी का निर्माण हुआ है। और डिजिटल इकोसिस्टम इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लेक्सिबल एडेप्टिव एमिनेबल सोशियो टेक्निकल सिस्टम। मैंने कई सारे शब्द इस्तेमाल किए इसमें, हम उनका एक के बाद एक व्याख्या करेंगे उनका क्या आशय है डिजिटल इकोलॉजी के संबंध में। जैसे हमने इस्तेमाल किया डिस्ट्रीब्यूटेड, डिजिटल इकोसिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू चेंज, एडेप्टिव है, एनीबडी कैन एक्सेप्ट कैन अडेप्ट, एमिनेबल है, सोशियो टेक्निकल है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी पिछली स्लाइड में भी हम सोशियो टेक्निकल का बात कर रहे थे, विथ फीचर्स ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ ऑपरेशन स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मोटिवेटेड बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसी से प्रभावित है, उसी से मोटिवेटेड है, क्या, डिजिटल इकोसिस्टम, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स किसी एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई एक कंपोनेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इकोसिस्टम। बिजनेस इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए लार्ज नंबर ऑफ लूजली इंटरकनेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। अब हमने नए टर्म पे बात करी बिजनेस इकोसिस्टम पे। बिजनेस इकोसिस्टम क्या होता है, अभी हमने डिजिटल इकोसिस्टम की बात करी, अब हम डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम पर आ रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम या डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए लार्ज नंबर ऑफ लूजली इंटरकनेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हु डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल इफेक्टिवनेस एंड सर्वाइवल। कहने का आशय यह है, जो बिजनेस डिजिटल इकोसिस्टम है उस पर जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, दोज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, नॉट हैविली इंटरकनेक्टेड, लूजली इंटरकनेक्टेड, समहाव एक दूसरे पर जो है निर्भर हैं, आश्रित हैं, और जिस वजह से वो क्या कर पाते हैं, जिससे उनके म्यूचुअल इफेक्टिवनेस, अर्थात वो डिपेंडेंट इसलिए हैं कि किसी का किसी से डिपेंड होने से कुछ काम निकलता है, किसी का किसी दूसरे से डिपेंड होने से कुछ काम निकलता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस फॉर सर्वाइवल। इस वजह से जो बिजनेस है, आप जानते हैं कि बिजनेस में हमें तमाम कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस लेक्चर के रेफरेंस में बात करें, तो हम डिजिटल मार्केटिंग पर बात करें, डिजिटल मार्केटिंग के तमाम सारे कंपोनेंट्स हैं, कोई एक सिंगल कंपोनेंट अपने आप में सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जो बिजनेस इकोलॉजी है वो ये कहता है कि हमें बिजनेस को लीड करने के लिए, ग्रो करने के लिए नंबर ऑफ मीडियम्स पर, नंबर ऑफ चैनल्स पर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। बिजनेस इकोसिस्टम हैज बीन पॉपुलरली डिस्कस्ड सिंस द ईयर 2000। बिजनेस इकोसिस्टम का जो वर्ड कॉइन हुआ था बेसिकली, वही माना जाता है कि जो 2000 के आसपास उसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, पॉपुलर होने लगा, स्पेशली बाय द बूस्ट ऑफ इंटरनेट। तो डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम का आशय क्या है, जहाँ पर बिजनेस को प्रभावित करने के लिए, ग्रो करने के लिए, लीड करने के लिए इंटरनेट का हम सहारा लेने लगे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम। कुछ आगे बढ़ते हैं, डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम पर और बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज। कुछ संक्षिप्त में हमने आपको बताना चाहा है, जो डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम, हम एक भारी भरकम सा शब्द हमारे जो है प्रेजेंटेशन देख रहे लोगों को लग रहा होगा, वो क्या चीज़ है, उसको हमने संक्षिप्त आसान करना चाहा है। अडॉप्शन ऑफ, हमने अडॉप्ट किया है किन चीज़ों को, जो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेस एंड
to support the software components, which also shows the evolutionary and self-organizing behavior. ऐसी चीज़ें, ऐसे बिजनेस कंपोनेंट्स को, ऐसे इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज को हमने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहा है, जिनसे हमें क्या मिलता है, जिनमें हमें क्या शामिल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को शामिल कर सकते हैं, जो कह सकते हैं एक तरीके से इवोल्यूशनरी अप्रोच है, एक नई तरह की अप्रोच है जिससे हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं. द डिजिटल इकोसिस्टम हैज़ बीन अप्लाइड टू प्रेजेंट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. हम जहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पर हम साथ में ये भी बात करते हैं कि जो आईटी है, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क्स, डिफरेंट मीडियम्स, अर्थात जिसको हम चैनल कहते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन सब को हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं. डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम इज अ फ्री, ओपन सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. क्या है डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम? एक एक फ्री है, एक तरीके से फ्री है, ओपन सोर्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजीज. इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, इस पर आधारित, इस पर निर्भर एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिस पर आप अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम ऑन द बिजनेस इंटरप्राइजेस अक्रॉस द सेक्टर्स इज सो फास्ट. बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव है. किसका? डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम का. क्यों प्रभाव है? बिकॉज एक ये सेंट्रल धुरी है, एक केंद्रीय बिंदु है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो इतना ज़्यादा है कि आज के इस युग में, इस डिजिटलाइज्ड युग में, आप इसकी इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते. इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पैराडाइम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. आज के समय में जो डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम है या जो डिजिटल बिजनेस पैराडाइम है, वो एक नए तरह का लुक बिजनेस को प्रोवाइड करता है, उसको ग्रो कराने में मदद करता है. तो डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स पर हम अब बात करेंगे कि डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स क्या चीज़ें हैं. थ्री टर्मिनोलॉजीज फॉर इकोसिस्टम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. डिजिटल इकोसिस्टम में हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने बात करी कि तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम जानकर आए हैं, समझ कर आए हैं, जो हमने आपके साथ साझा करी, उनको संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ. उसमें क्या क्या तीन चीज़ें हैं? एक है बिजनेस इकोसिस्टम, दूसरा है इनोवेटिव इकोसिस्टम, और तीसरा है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम. ये तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत खास हैं. किस रूप में जब हम बात कर रहे हैं? जब हम डिजिटल इकोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रूप में बात कर रहे हैं, तो जो जो टर्म है डिजिटल इकोलॉजी, उसके हमने तीन कंपोनेंट आपको गिनाए, या डिजिटल इकोसिस्टम जो हमने आपसे कहा, उसमें तीन बातें हमने आपसे कही. क्या क्या हैं? पहला है बिजनेस इकोसिस्टम, इनोवेशन या इनोवेटिव इकोसिस्टम, तीसरा है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम. द टर्म प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम इज लाइकली टू बी द मोस्ट कन्वेंशनल इन इट्स शेप. जो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम की हम बात करें, ये बड़ा खास है, ये बहुत कन्वेंशनल नेचर का है. द मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर बाइंडिंग और कोऑर्डिनेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग सच मेथड्स. हम ये बात करना चाह रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो आज के मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो जो अपने आप में एक वजूद है, वो बहुत खास है. क्यों? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम बहुत सारे लोगों के साथ आज के समय में इंटरेक्टिविटी कर सकते हैं फॉर आवर बिजनेस, फॉर द सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस. आगे बढ़ते हैं. द डोमिनेंट मार्केट पोजिशंस अचीव्ड बाई सम ऑफ द कॉरपोरेट्स सच एज गूगल, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर लोगों की कनेक्टिविटी या बिजनेस को कस्टमर तक ले जाने की जो सुविधाएँ हैं, वो बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हैं. द प्लेटफॉर्म्स स्ट्रेटजीज इनेबल, जो इन प्लेटफॉर्म्स की जो स्ट्रेटजीज हैं, वो क्या खास हैं, उनमें क्या की पॉइंट्स हैं, सच एज डेटाफिकेशन. जिन पोजिशन, जिन जिन ब्रांड्स की हमने बात करी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उदाहरण के लिए हमने कुछ नाम लिए. वी आर न्यूट्रल अबाउट एनी यू नो
प्रोडक्ट, हमारा किसी प्रोडक्ट से कोई आशय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इन सब की चर्चा आपके सामने रखी, उनमें क्या खास है उनके उन प्लेटफॉर्म्स की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं। एक है डेटाफिकेशन, आपके पास वहाँ पर डेटा की अवेलेबिलिटी है। इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन उनका बहुत अच्छा है। कमोडिफिकेशन बहुत अच्छा है, अपने कमोडिटीज़ को, अपने गुड्स को बहुत आसानी से सर्कुलेट किया जा सकता है। तीसरा क्या है, कंस्टिट्यूटिंग द की एलिमेंट ऑफ प्लेटफॉर्मनाइजेशन, उनके पास अपने सेट प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो कस्टमर तक रीच करने में बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने जो चर्चा आपके साथ करी उसका कुछ संक्षिप्त सार मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला क्या चीज़ है जिसको हम इस पूरे लेक्चर में महसूस किए, वो है डिजिटल इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी हम उसको कम कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कम आशय में। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम आर ए सेट ऑफ बिजनेस फंक्शनिंग एज अ यूनिट एंड इंट्रैक्टिंग विथ अ शेयर्ड मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज टुगेदर विथ रिलेशनशिप अमंग देम, जिसको हम बिजनेस इकोसिस्टम कह रहे थे, जिसको हम डिजिटल इकोसिस्टम कह रहे थे, इन सब में सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी भूमिका में है जो जिसके टू इंटरफेस एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, डेटा के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यूजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूजर के इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस का एक धुरी है। दूसरा, डिजिटल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। डिजिटल इकोसिस्टम में क्या क्या शामिल है, ह्यूज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, हार्डवेयर जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह देते हैं, कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज जो कि किसी कंपनी द्वारा, किसी कॉरपोरेट द्वारा स्वयं भी ऑपरेट की जा सकती है या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी या मार्केट उसको जो है डील कर रहा हो। तो ये मुख्य बातें थी इस लेक्चर में हमने आपके साथ साझा करी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए मददगार रहेगा, आपके जानने समझने में, आपकी ज्ञान का स्तर बढ़ाने में मददगार होगा। और इन्हीं बातों के साथ आज के लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।